सो हे गाइज, ये है हमारा दूसरा दिन लोनावला में, ताम झाम लेके सारा, और हम अपना कैंप लगाएंगे। अबे रुक जा। सब कुछ रिस्क लेके यहाँ तक आया था। सरप्राइजिंग, बहुत ही अमेजिंग इन्होंने सेटअप लगाया है यहाँ पे। टूरिस्ट जो होता है वो वहाँ पे कैंप लगा के खड़ा हो सकता है, बट एक ट्रैवलर जो होता है वो कहीं पे भी अपना सेटअप बना सकता है। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं सबसे पहले वहाँ पे जहाँ पे हमारा कूपन निकला था, हमारा लकी ड्रॉ निकला था। देखते हैं वो कितना सच है, कितना क्या है, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं ऐसे। देखते हैं लोनावला में भी वही स्कीम चल रही है जो दिल्ली में चल रही है, या फिर यहाँ पे जेन्युइनली कुछ मिलता है। तो चलिए, टाइम हो गया है वहाँ पे चलने का, और उसके बाद देखते हैं कि हम कहाँ पे घूमने जाएंगे और क्या क्या खाएंगे। लेट्स गो। यहाँ पे आए हैं हम, ये यहाँ पे मेन मार्केट टाइप है। यहाँ देखते हैं हम यहाँ पे क्या खाने वाले हैं। अभी डोसा तो करा लिया है हमने। यहाँ पे चिक्की ज़्यादा मिलती है। चिक्की का मतलब होता है गज्जक, तो यहाँ पे वो ज़्यादा खाते हैं लोग। हम तो डोसा खा रहे हैं, और देखते हैं यहाँ पे हम क्या खा पाएंगे, अच्छा या फिर बुरा, कैसा लगेगा हमें। देखते हैं, और घूमने चलेंगे इसके बाद अगर जा पाएंगे तो, वरना आज पूरा दिन मेरा मन है कि मैं आराम से रेस्ट ही करूँ। थक जाते हैं ट्रैवल करते करते, और ज़्यादा ट्रैवल इकट्ठे हो नहीं पाता। तो आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट करूँ, एक आधी जगह भी घूम लूँगा। देखते हैं, लेट्स गो। तो कल वहाँ पे मिसल पाव खाने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रीट फूड का मिसल पाव खाने वाले हैं। देखते हैं कि उसके टक्कर का हुआ या नहीं। वैसे तो लग नहीं रहा, देखते हैं। वैसा टेस्ट नहीं है मगर खाने में ठीक है। तो मिसल पाव के बाद मसाला डोसा। ये अच्छा है, बढ़िया है। वैसे तो मैं डोसा कम खा लेता, अच्छा लगता है मुझे, मगर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है यार। जुबली से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। हम आ गए हैं पवना लेक की तरफ, ताम झाम लेके सारा। यहाँ कैंपिंग हो रही है, और हम अपना कैंप लगाएंगे। बहुत अच्छे कैंपिंग हो रही है यहाँ पे। तो पवना लेक की तरफ चलते हैं, वहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर। कैंप लगा रहे हैं, और ये उड़े जा रहा है बार बार। बचा लिया पत्थर रख के, उड़ने से बचा लिया, ऐसे उड़ने वाला था। भाई अबे रुक जा। अबे रुक जा। फाइनली इसको लेके चलो। अब चले, बहुत हो गया तेरा। अभी इतनी हवा चल रही है तो रात में क्या होगा। अरे रुक जा यार। तो पैराशूट का भी काम कर सकता है ये। गीला भी हो गया बेचारा। दूसरी बार कैंप उड़ के गया है, और दूसरी बार इसको पकड़ के लाया हूँ मैं। ये लाइफ होती है एक ट्रैवलर की। टूरिस्ट लोग होते हैं, कैंप में भी रुकने के लिए वहाँ पे रुक जाते हैं। ट्रैवलर अपना कैंप लेकर ऐसे करता है, मतलब ट्रैवलर ऐसे कारनामे करता है खुद। बट जहाँ पर कैंपिंग और होटल्स अवेलेबल है, रुक जाना ही सही है, क्योंकि ये पता नहीं कब उड़ जाए। थोड़ी देर के लिए कैंप लगाया था। अगर रात में ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे कोई जानवर वानवर का भी कोई भरोसा नहीं है कि। तो ये बैठ गई कैंप के अंदर। मुझे बंद कर दो। तो चलो भाई, चलो, अब बहुत हुआ, थक गए हैं 2 बार कैंप पकड़ के। तो अब चलते हैं अपने होटल की तरफ और रेस्ट ही करेंगे अब, और खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। हम हैं अभी लोनावला में और हमारा जो कल लकी ड्रॉ था उसमें 2 नाइट और 3 डेज़ का पैकेज मिला है। अब देखते हैं उसका क्या होगा। तो अब चलते हैं लोनावला घूमने के लिए और यहाँ से देखते हैं हम कहाँ कहाँ घूमेंगे और कहाँ जाएंगे। लेट्स गो। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी निकलती, और हमने यहाँ का फेमस तो खा ही लिया था, इसीलिए हमने मैगी और कांदा पकौड़ा कराया, प्याज पकौड़ा। यहाँ पे मैं कांदा बोलने लग गया हूँ, मतलब मेरे को मैं सीख गया हूँ कि प्याज निकलता ही नहीं है, कांदा निकलता है। कांदा ला दो भैया। तो कांदा पकौड़ा और अब मैगी। सही बनाई है, दोनों चीज़ें सही है। दिखा के लॉयंस पॉइंट जा रहे हैं, वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ कैसा माहौल है, क्या है, कितना अच्छा है। लेट्स गो। तो हम आ गए हैं यहाँ पे और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है भाई, बिल्कुल ही ऊंचाई पे है, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ। ये देखो। काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है भाई, मतलब काफ़ी राइडर्स भी आए हुए हैं, काफ़ी बाइकर्स भी आए हुए हैं और काफ़ी व्लॉगर्स भी हैं मेरे से। चलो थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं। तो अब लॉयन पॉइंट देखने के बाद हम यहाँ से जा रहे हैं, कहीं देखते हैं कुछ और अनएक्सप्लोर्ड या फिर कुछ हमारे लिए कुछ नया लोनावला में क्या होता है। और अभी तक कुछ खाया नहीं है, बस वो मैगी और पकौड़े ही खाए हैं। तो कुछ पहले होटल चल के खाएंगे, फिर निकलेंगे कहीं और। लेट्स गो। तो लाइन पॉइंट के बाद हम यहाँ पे खंडाला में आए हैं और भाई व्यू देखो। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे, बट दिल्ली के मुकाबले कमी है, जितनी भी बोलो दिल्ली के मुकाबले तो यहाँ पर कम हो जाता है। और यहाँ पे व्यू इतना बढ़िया मिलेगा ना आपको, बहुत बढ़िया है। चलो वहाँ पे एक झरना दिख रहा है मेरे को, वहाँ चलेंगे। पूछते हैं कि वहाँ जा भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि झरना तो है, थोड़ा बहुत तो है। ट्राई करते हैं वहाँ तक पहुँचने की, क्या पता जा पाए या नहीं जा पाए। चलो लेट्स गो। तो अब यहाँ पे खंडाला के व्यू बहुत बढ़िया है, बट सबसे बढ़िया मेरे को ये व्यू लगा यार। पवना लेक पे आ गए हम दोबारा, यहाँ बैठते हैं, आराम करते हैं और फिर चलेंगे यहाँ से कहीं और। तो मैं सच में बताऊँ, मैं इसी शांति के लिए, इसी सुकून के लिए आया था और फाइनली ये सब मुझे प्राप्त हो पा रहा है। मतलब मैं इसीलिए अपना सब कुछ रिस्क लेके यहाँ तक आया था, और अगर यहाँ आना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सो गाइस, हम यहाँ पे थे अभी लोनावला में पवना लेक के पास, और हमें एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ दिखाई दी है जो कि हम करने निकले थे। मेरा मन था कि मैं भी यहाँ पे एक ऐसी चीज़ करूँ, बट मेरे को यहाँ पे एक ऐसी चीज़ दिखाई दी है जिसका मैं ड्रीम करता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। और भाभी ने ये चीज़ यहाँ पे करके दिखाई है, मेरे को यहाँ पे मिले हैं बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही अमेजिंग इन्होंने सेटअप लगाया है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो खाना बनाने का, बैठने का, बारबेक्यू वगैरह का, एंड दिस कैंप इज सो अमेजिंग यार, सो अमेजिंग। मतलब लाइट्स वगैरह लगा के जो ये लग रहा है ना, बहुत अच्छा। तो कब से आप कर रहे हो ये? बहुत सालों से आदत है, मतलब ट्रैवलर शौक है। और क्या क्या मतलब कहाँ पे आप कर चुके हो? पावना, लोनावला, मुंबई के आसपास जहाँ पे भी मतलब मौका मिलता है जब भी। महाबलेश्वर बहुत अच्छा। महाबलेश्वर ही, महाबलेश्वर में है लेक्स वगैरह का यहाँ जहाँ पे हम कर पाए, या फिर कहाँ पे? कैंपिंग में ही है, बट वहाँ पे सब। अच्छा, और क्या 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 कैरी करना पड़ता है इसके लिए? ये देखिए चेयर है, टेबल है, ये टेंट, ये एयर एयर, ये एक गद्दा टाइप है, इसको आप पूरा अच्छे से सो सकते हो आराम से इसमें बैठ। और भाई ये चीज़ ली, बस मैंने भी ये भी लूँगा मैं, बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ मैं। इसका बहुत फ़ायदा है यार, टेंट वगैरह बहुत सेफ रहता है इससे। सॉरी, हम सीरियसली यही करने निकले थे, एक टूरिस्ट और एक ट्रैवलर में एक डिफरेंस बता रहे हैं हम, कि एक टूरिस्ट जो होता है वो वहाँ पे कैंप लगा के खड़ा हो सकता है, बट एक ट्रैवलर जो होता है वो कहीं पे भी अपना सेटअप बना सकता है, वो कहीं पे भी रुक सकता है और हर चीज़ कर सकता है। जैसे आपने ये खाना बनाया है और रुकने का इतना अच्छा आपने, मतलब इसको जुगाड़ नहीं कहेंगे, प्रॉपर आपने सेटअप किया है। आपसे इंस्पायर हो रहे हैं हम, आपसे बहुत चीज़ें सीखेंगे अभी कि यहाँ पे हम क्या क्या कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे रुक कर देखते हैं कि हमारे में क्या क्या कमियाँ हैं, कि हम उसको सही कर पाएँ, उसको हम इनसे थोड़ा ग्रैब करेंगे। जो जो ये चीज़ें कर रहे हैं हम देखेंगे हम कहाँ अपनी थोड़ी सुधार कर सकते हैं, ताकि हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए गाइज, लेट्स गो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इस सफ़र में मेरे साथ। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज, टेक केयर।